नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, यह है सावन का दूसरा सोमवार और बहुत आसान उपाय मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। दोस्तों, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आप जो भी इच्छा अपने मन में करेंगे वो काम आपका बहुत जल्दी पूरा होगा। दोस्तों, आप नहा धोकर के सुबह स्वच्छ हो जाए, कोशिश करें व्हाइट रंग के कपड़े पहने। जो महिलाएं हैं वे भी व्हाइट और रेड रंग का मिक्सिंग हो, पीला रंग हो, ग्रीन हो, व्हाइट के साथ मिक्स कलर उसे पहने। और इस दिन दोस्तों, जो भी उपाय को करने के लिए महिलाएं जा रही हैं, अपने माथे पर बालों में बया के फूल की, जो फूलों का जो गजरा आता है वो यदि लगाती है, जब भी जो भी महिला है और जो जो कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें मैं स्पेशल बता दूं कि यदि आप बया के फूलों का गजरा लगा करके महादेव की और माता पार्वती की सेवा पूजा करते हैं तो आपको करोड़ों गुना फल मिलता है। शिव शक्ति दोनों ही आपके ऊपर प्रसन्न होती है। तो जो पुरुष है वे लोग बया का पुष्प अपने शर्ट में जैसे बटन के पास फिट करके लगा लें, हाथ में रखें, जैसे भी लें। महिलाएं हैं गजरा बालों में लगाएं या फिर अपने हाथ में उसे थोड़ा सा लपेट लें, बहुत ही अच्छा इसका फल मिलेगा। और आपको जाना है शिवालय में, दूध ले लें, जल ले लें, बेले पत्र, पुष्प वगैरह आप ले करके जाएं। भगवान शिव की आप सेवा पूजा करें, जैसे भी आप सेवा पूजा करते हैं घी का दीपक आप उन्हें अर्पित करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, 11 फल लेने हैं खिरनी के। खिरनी के फल दोस्तों, ये पौधा ऐसा होता है जिसकी हर चीज चंद्र को प्रसन्न करती है। चंद्र जिसके खुश है भगवान शिव उस पर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो अच्छे कर्म करता है, उसका मन बहुत प्रफुल्लित रहता है। मन से जुड़ी हुई उसे कभी कोई समस्या नहीं होती, मन उसका बहुत मजबूत रहता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कंडीशन एक ही होती है दोस्तों, देखने वाले की नजर पर यह आधारित होता है कि वो उस घटना को किस दृष्टि से देखता है। जिसका मन कमजोर होता है हर चीज को नेगेटिव दृष्टि से ही लेता है, और जो मजबूत मन के हैं वो हर कंडीशन में जीतते हुए चले जाते हैं। तो ये जो पौधा है इसकी जड़ भी यदि आप धारण करते हैं तो आपके चंद्र मजबूत बनते हैं। सावन महीने में सोमवार में आप, सोमवार के दिन आप इसे धारण कर सकते हैं। और ये जो इसका फल है, इसके 11 फल आप मार्केट में जाएंगे आपको मिल जाएंगे। 11 फल आप इसके ले आए और ला करके आप उसे एक सफेद धागे में पिरो लें, पिरो करके और ओम नमः शिवाय 111 बार आप जाप करें। उस माला को आप हाथ में रखें और 111 बार गिन करके आप शिव जी के मंत्र का जाप कर लें और इस माला को आप शिव जी को अर्पित कर दें। दोस्तों, आपका काम हाथों हाथ हो जाएगा। माला अर्पित करें, भगवान की आरती उतारें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और उसके बाद में आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा आप शिव जी के सामने कहें। यदि आप इन फलों से अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो कम से कम 4 सोमवार आप कंटिन्यू 11-11 फल शिवालय में जाकर के शिव जी को अर्पित करें। आप देखेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी इसका प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ेगा, आपकी जो भी इच्छा होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।